ढोलपुर नाम के एक गांव में अल्पेश नाम का एक बैल रहता है। अल्पेश बैल एक नाव चलाता है और लोगों को यहाँ से वहाँ छोड़ने के थोड़े से पैसे लेता है। ऐसे उसका घर का परिवार अच्छे से चल रहा था और आने जाने वाले लोग भी सुकून से सफर कर पा रहे थे। आ जाओ, छोटा सा बच्चा ही है तो कोई बात नहीं है, मैं चला लूंगा अपनी तरफ से चापू। आपकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए चाचा जी, उम्र होने के बाद भी मेहनत करने से नहीं घबराते हो। हिम्मत तो है बेटा, लेकिन उम्र अब साथ में नहीं दे रहा है, इसीलिए कुछ दिनों के बाद मेरी जगह पे मेरी बेटे संभालने के लिए आ जाएगा। अल्पेश बैल का बेटा टपलू बैल एक नंबर का कामचोर और लालची है। वो हर काम बिना मेहनत किए पूरा करने की कोशिश करता है। अब तक वो छोटे मोटे काम ही करता आया है, इसलिए उसे अपनी इस आदत की वजह से कोई दिक्कत नहीं आई है। अरे अब क्यों चिंता कर रहे हो पापा, मैं हूँ ना इस व्यापार को समंदर के गहरों में लेकर जाने के लिए। देखना, एक दिन सबकी जुबान पर सिर्फ तपलो नाम का ही होगा। ऐसे टपलू बैल बड़े जोश में दो दिन तक चप्पू चलाने के बाद तीसरे दिन मेहनत से हार मान लेता है और काम से बचाने का उपाय सोचने लगता है। तभी टपलू बैल को पानी के ऊपर तैरा हुआ गुब्बारा नजर आता है। बचपन में इतना तो पढ़ाई की थी कि जब तक हवा को बाहर निकलने का रास्ता ना मिले, कोई भी चीज कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो डूब नहीं सकता है। तो फिर बेकार में ये चप्पू क्यों चलाऊं मैं? ऐसे कहते हुए टपलू बैल बाजार से बड़े और मजबूत गुब्बारे लेकर आता है और नाव चलाने वाला काम बंद करके लोगों को गुब्बारे में बैठा कर हवा भरने लगता है और उनसे उसके ढेर सारे पैसे भी लेता है। लोगों को वो बड़े गुब्बारों में सफर करना अच्छा लग रहा था, इसलिए कोई काम ना होने पर भी उसमें घूमने के लिए आ रहे थे। ऐसे टपलू खूब पैसे कमा रहा था, लेकिन उसकी लालच को ये मंजूर नहीं था। आज से दाम डबल हो गया है, इसीलिए बैठने से पहले एक बार अपने पैसे पूरा है या नहीं कहकर अच्छे से देख लीजिए। डबल पैसे क्यों? एक ही हफ्ते में इतना डिमांड कैसे बढ़ गया है तुम्हारा? मुझे नहीं चाहिए इतने महंगे टिकट। ऐसे कहकर कुछ लोग चले जाते हैं तो कुछ लोग मजबूरन दुगने पैसे देकर सफर करने लगते हैं। एक छोटा सा बैल टपलू के काम को बहुत ध्यान से देखता है और समझ जाता है वो कोई बड़ी बात नहीं है कहकर। वो छोटा सा बैल भी अपने लिए एक बड़ा वाला गुब्बारा खरीद कर उसमें सफर करने की कोशिश करता है। वो कामयाब भी हो जाता है। अगले दिन सुबह, आंटी जी और अंकल्स, अब आप सफर करने के लिए इतने ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप एक बार एक गुब्बारा खरीद लो, उसके बाद आप फ्री में सफर कर सकते हो। ऐसे कहते हुए वो छोटा बैल सफर करके दिखाने पर सभी लोगों को उस पर भरोसा होता है और सब अपने अपने गुब्बारे खरीद कर सफर करने लगते हैं। वो देखकर टपलू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
अच्छा, तो ये मुझसे होशियारी कर रहे हैं। इन्हें कैसे सबक सिखाना चाहिए मुझे अच्छे से पता है। अब दिखाता हूँ मैं इन्हें। ऐसे कहते हुए टप्लू बेल एक रिमोट कंट्रोल फिश खरीद कर लेकर आता है और पानी के बीच में पहुँचने हुए लोगों के गुब्बरों को अपनी उस मछली की मदद से पंचर कर देता है और लोग वहीं पर डूबकर तैरने लगते हैं। ये कैसे हो गया है? मेरा गुब्बारा कैसे फट गया? पानी ठंडा है, मुझे किनारे पर पहुंचना होगा। ऐसे एक एक करके सभी लोग तैर कर वापस आने लगते हैं। उन्हें देखकर टप्पू बेल खूब हंसने लगता है। पानी में डूबे हुए लोग समझ जाते हैं कि इसके पीछे टप्लू के हाथ जरूर है कहकर। टप्लू के बच्चे, आज या तो तू रहेगा या फिर हम। रुक, तुझे अभी बताते हैं। ऐसे कहते हुए सब टप्लू को मारने के लिए उसके पीछे पड़ते हैं। टप्लू भागकर जाकर अपने पिता के पीछे छुप जाता है। आप सामने से हट जाओ अपलेश काका, आप नहीं जानते हो कि इसने क्या किया है। अल्पेश बेल सबका गुस्सा शांत करवाकर सबकी बात ध्यान से सुनता है और अपने बेटे की तरफ से सबसे माफी मांगकर गुब्बारे वाला सफर खतरनाक हो सकता है, इसलिए नाव में ही सफर करने को कहता है। उसके बाद टपलू को भी समझाकर ईमानदारी से काम करने को कहता है। रंगा बैल ने अपना सब कुछ दोनों बेटों को समान हिस्से करके अपनी थोड़ी सी संपत्ति दे दी थी, लेकिन वो खेती वाली जमीन और फल वाले पेड़ की जमीन में से किस बेटे को कौन सी देनी चाहिए ये तय नहीं कर पा रहा था। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है पिताजी, आप मुझे जो भी देंगे चलेगा। भाई को जो पसंद है वो पूछ कर दे दीजिए, मुझे किसी भी बात का कोई लालच नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है छोटे भाई, मैं लालच हूँ ये मतलब है? ठीक है, तुमने ये कह दिया है तो मुझे खेती वाली जमीन चाहिए। ऐसे ठीक है भाई, खेती वाली जमीन ले लेता है और मीठा भाई फलों वाली जमीन लेता है। खेती वाली जमीन पर कौन सी भी फसल उगा कर अच्छी कमाई कर सकते हैं, लेकिन उस फलों वाले जमीन पर सिर्फ काले जामुन के पेड़ है और वो फल साल में एक ही बार होते हैं और ऐसे मौसम में तो वो सारे पेड़ सूखे पड़े हैं और खेत में फसल बेचने के लिए तैयार है। इस बात से टीका भाई बहुत खुश था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला है कहकर मीठा भाई को कोई दुख नहीं था। उदास मत हो मोना, एक दिन हमारे साथ भी जरूर कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, तब तक हमें सिर्फ सब्र से इंतजार करना होगा। पता नहीं आप इतने भोले क्यों हो, अच्छा समय चाहे कभी भी आए, तब तक हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा जी। मीठा के पास अपनी पत्नी से कहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो अपना ज्यादातर वक्त उन्हें काले जामुन के पेड़ों के बीच गुजारने लगता है। कभी बच्चों जैसे किसी चमत्कार के बारे में सोचकर खुश होता है तो कभी अपने बच्चों के बारे में सोचकर दुखी होने लगता है। दिन गुजारते जाते हैं और हर दिन के साथ मीठे का गुजारा करना मुश्किल होता जाता है। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से एक एक करके सभी लोग भूखे मर जाएंगे। जाकर कम से कम उन पेड़ों को काट कर उन लकड़ियों से व्यापार करके पैसे लेकर आओ जी। जैसे तुम कहो मोना, मैं अभी जाकर उन पेड़ों को काटने का काम पर लग जाता हूँ। ऐसे कहकर पेड़ों के पास पहुँचा हुआ मीठा उसके पेड़ पर लगे हुए इतने सारे फल देखकर हैरान हो जाता है। एक एक पेड़ पर इतने फल लगे हुए थे कि
पेड़ वजन की वजह से नीचे झुक रहे थे। लगता है मेरे आंखों के साथ छलावा हो रहा है, ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता है। ऐसे मीठा खुद को समझा ही रहा था कि तभी उन पेड़ों में से एक पेड़ मीठा से बात करने लगता है और उसे यकीन दिलाता है कि ये कोई छलावा नहीं है। तुम्हारी आंखें जो देख रही है वो सच है मीठा भाई, ये तुम्हारे अच्छा और सब्र का फल है। इन्हें जितना चाहे खाओ और व्यापार कर लो। ये फल जब तक इस पेड़ पर लगे हुए हैं, तब तक इन्हें तुम्हारे अलावा और कोई नहीं देख सकता है, सब सुरक्षित है। मीठे को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, फिर भी वो कुछ फल तोड़कर अपने घर लेकर जाता है। वो देखकर जब मोना उससे सवाल करती है तब मीठे को यकीन होता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था मोना, लेकिन अब तुम्हारे कहने के बाद मुझे अब पूरा यकीन हो गया है। ऐसे कहते हुए मीठा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसके बाद बाजार में ले जाकर ढेर सारे काले जामुन बेच कर आता है। मीठा चाहे कितने भी फल क्यों ना तोड़ ले, वो कम ही नहीं हो रहे थे। इस वजह से मीठा कुछ ही दिनों में अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करके खुश रह रहा था। वो देखकर टीके बाई और उसकी पत्नी को कुछ हजम नहीं हो रहा था। तुम्हें तो कहा था कि सब कुछ वो काम में आएगा, वो तुमने ले लिया है और अपने भाई को बेकार जमीन और कचरा दिया है, तो फिर वो आज इतने अच्छी जिंदगी कैसे जी रहा है? कहां से आ रहे हैं उसे वो पैसे? कहीं उसे उन काला जामुन के पेड़ों के बीच कोई खजाना तो नहीं मिला है ना? शायद हो सकता है, अगर ऐसा सच में हुआ तो मैं अपने हिस्सा लेकर ही वापस आऊंगा, अगर ना माने तो सारा ही बूटा ले आऊंगा। ऐसे कहते हुए टीका भाई मीठा भाई से खजाने का हिस्सा लेने के लिए जाता है, लेकिन उसके घर में काले जामुन के अलावा और कुछ भी नहीं था। वो देखकर क्या कहना चाहिए कुछ भी समझ में नहीं आता है टीके को। कुछ नहीं भाई, बस यूं ही गुजर रहा तो सोचा मिल लूं। मुझे थोड़ा सा अफसोस और खुशी है, ये मत पूछना क्यों। आगे से मैं भी ईमानदार बनने की कोशिश करूंगा। मीठा समझ जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा था, इसलिए मुस्कुराकर चुप हो जाता है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है।